मैं बना रही हूँ दही बड़ा, उड़द दाल की बड़ी, इसको दही बड़ा बोलते हैं। मैं इसके लिए पहले मैंने रात भर उड़द की दाल को भिगोया है और अब मैं इसे मिक्सर में पीस रही हूँ। मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी, हल्का सा दरदरा भी रहे तो अच्छा लगता है खाने में। और पहले मैं दाल को मिक्सर में पीस रही हूँ। पीसने के बाद मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। मेरा दाल पिस चुका है और मैं अब इसे निकाल बड़ी बना रही हूँ। मैंने छोटे छोटे बड़ी को मैंने सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। देख लीजिए, इसे थोड़ा सा हल्का ब्राउन करके मैं इसे निकालूँगी। मेरा बड़ी इस तरह से मैंने बड़ी को बनाया है और ये देख लीजिए, मैं बड़ी बनने के बाद मैं इसे पहले निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैं और भी दाल बची हुई है मैं उसका बड़ी डालूँगी। छोटे छोटे गोल गोल मैं पहले इस बड़ी को निकालूँगी ताकि खाने में सुविधा हो सके। मैं इसे सरसों के तेल में छोटे छोटे बड़ी को डाल रही हूँ। सब कुछ मैं सरसों के तेल में डालूँगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसे गर्म पानी करके सबको गर्म पानी में डाल लूँगी ताकि इसका तेल को मैं निकाल पाऊँ। तेल निकलने के बाद ये बड़ी पूरी फूल जाती है और फूलने के बाद इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने दही जमाई थी, उसे मैं अच्छे से रख के पतला कर लूँगी। उसके बाद मैं बड़ी में सारे दही को डाल लूँगी। खुले सब गर्म पानी में मैंने इसे बड़ी को पहले से फूल कर निचोड़ लिया है ताकि इसका तेल निकल जाए और खाने में कोई नुकसान ना हो। उसके बाद मैंने सारे बड़ी को दही में डाल लिया है। फिर मैंने इसके लिए दही बड़े का मसाला तैयार कर लिया है और मैं जब भी खाना हो तो आप बड़ी को निकाल लीजिए कटोरी में और उसके बाद ऊपर से मसाला डालिए। इसके लिए मैंने जीरे का पाउडर, काली नमक और धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा खाना है आप ऊपर से डालकर काला नमक, मैंने सादा बड़ी बनाया है उससे काला नमक।